हेलो दोस्तों लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि, कि किस प्रकार से लाइटनिंग जो आसमान में बिजली चमकती है वो किस तरीके से एनिमल्स के मरने का कारण होती है हुआ क्या है कि असम के अंदर 18 एलिफेंट्स की डेथ हो गई 18 एलिफेंट्स बहुत होते हैं ठीक है गिने चुने एलिफेंट्स हैं उसमें भी अठारह की डेथ हो गई तो पता नहीं चल रहा था किस वजह से हुई तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर पता लगाया कि भाई वो जो यहाँ पर डेथ हुई है वो लाइटनिंग के कारण हुई है ठीक है तो अभी इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च चल रही है लेकिन आपने एक और टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रोक्यूज़न ठीक है तो बिजली के जो तार होते हैं उनसे टकरा करके एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो हो गया एंथ्रोपोजेनिक कोज तो उसके ही सिमिलर यहाँ पर आपको दिखेगी लाइटनिंग जो कि हो गया नेचुरल कोज तो ये मैं नेचुरल कोज के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ लाइटनिंग के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर खेल किया जाता है देखिए तो हुआ वही है असम के अंदर बा मुनी हिल टॉप के ऊपर अट्ठारह एलिफेंट्स की यहाँ पर डेथ देखने के लिए मिली ये बहुत ही सैड था क्योंकि देखिए आप जो एलिफेंट है वो इस समय गिने चुने एलिफेंट्स इंडिया के अंदर हैं और लगातार इनकी संख्या कम होती चली जा रही है एनवायरमेंटल कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है उसके बाद इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं तो रिसर्च लाजमी हो जाती है तो उसके ऊपर अभी रिपोर्ट जारी की गई है और उन्होंने बताया है कि कैन एफ सिंगल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग किल 18 एलिफेंट्स द आंसर इज़ यस तो एक सिंगल फ्लैश भी यहाँ पर लाइटनिंग की वो भी यहाँ पर किल कर सकती है 18 एलिफेंट्स को तो इसके ऊपर साइंटिफिक चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से होता है तो यहाँ पर देखिए आप हाउ डज़ लाइटनिंग किल एनिमल्स किस तरीके से यहाँ पर जो बिजली है वो एनिमल्स को किल कर सकती है तो लाइटनिंग में इंज्यूर और किल एनिमल्स इन ए नंबर ऑफ फेस तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के ठीक है तो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर ठीक है तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत ही काम की हो जाती है कि किस तरीके से एनिमल्स लाइटनिंग बिजली के कारण यहाँ पर मर जाते हैं पहला होता है साइड फ्लैश इनके बारे में बताऊँगा ये दो तरह का होता है सिंगल और मल्टीपल साइड ठीक है दूसरा होता है डायरेक्ट फ्लैश और तीसरा होता है टच पोटेंशियल ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का होता है और चौथा होता है स्टेप पोटेंशियल इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो वन बाय वन चारों को यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं देखिए ये जो इमेजेस यहाँ पर लगाई गई हैं आप सिर्फ इनके द्वारा भी समझ सकते हैं और मैंने यहाँ पर साइड में भी लिख दिया है कि इसको कहते हैं साइड फ्लैश साइड फ्लैश का मतलब होता है आप देखिए कि एक बड़ी चीज़ है पेड़ हो सकता है या फिर कोई भी बिल्डिंग नहीं हो सकती देखिए फॉरेस्ट में हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो जनरली एक बड़ा पेड़ है उसके ऊपर अगर लाइटनिंग गिरती है तो उसके नीचे इट मे जनरेट अ साइड फ्लैश दैट कैन स्ट्राइक एन एनिमल स्टैंडिंग अंडर इन द ट्री तो अगर ट्री के आसपास या नीचे कोई एनिमल खड़ा है तो उसको भी यहाँ से बाईपास होकर एक बिजली का झटका लग सकता है ओके तो ये हो गया डायरेक्ट साइड फ्लैश याद रखिए डायरेक्ट साइड फ्लैश एक होता है इनडायरेक्ट इस एनिमल के बराबर में दूसरा एनिमल खड़ा है तो उस एनिमल को भी ये बिजली इस एनिमल से ट्रांसफ़र हो सकती है ओके तो वो हो गया इनडायरेक्ट साइड फ्लैश ठीक है तो ये चीज़ समझ में आई दूसरा डायरेक्ट फ्लैश आसमान से बिजली गिरी और सीधे एनिमल के ऊपर गिरी ओके तो जितना लंबा जानवर होगा ठीक है जितनी हाइट उसकी ज़्यादा होगी उतना ही उसके ऊपर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है ठीक है तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई आगे हैं एक है टच पोटेंशियल ये टच पोटेंशियल क्या है ठीक है आप उसके नीचे तो खड़े खड़े हो लेकिन अगर आप देखें तो एक पेड़ है उस पेड़ को आपने टच किया हुआ है अब यहाँ पर एलिफेंट है तो उसने अपनी जो सूंड है उससे टच किया हुआ है लेकिन कोई भी जानवर हो सकता है जिराफ हो सकता है ठीक है या फिर कोई इसे टच करके खड़ा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्टेक्ट में आएगा तो लाइटनिंग स्ट्रक ऑब्जेक्ट के तो मान लो पेड़ पर बिजली गिरी तो इसको भी यहाँ पर टच करेगी ओके तो ये होता है टच पोटेंशियल और तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तीसरा होता है स्टेप पोटेंशियल तीन हो चुके हैं पहले ही ठीक है एक साइड फ्लैश हो गया और राइट और दूसरा डायरेक्ट फ्लैश हो गया और तीसरा टच पोटेंशियल यहाँ पर हो गया ये डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है ठीक है मतलब यहाँ पर कोई और खड़ा हुआ हो जानवर और उसको इस एनिमल से यहाँ पर टच हो जाए तो वो यहाँ पर इनडायरेक्ट टच पोटेंशियल हो जाता है और राइट उसके बाद आप देखें तो एक होता है स्टेप पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल क्या होता है तो आप देखिए धरती के थ्रू यहाँ पर जो करंट है वो लगने की शुरुआत होती है तो पेड़ में पूरा जो है वो लाइटनिंग जाएगी और उसके बाद कुछ दूरी पर खड़े एनिमल में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी वेन एन एनिमल्स फ्रंट एंड हिंड फीट आर फार एन ऑफ अ पार्ट पार्शल करंट में पास थ्रो द बॉडी इन अ सर्टेन सर्कमटेंसेज हमारी बॉडी वर्क करती है जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना जैसे विलियन होता है ठीक है उसमें एनोड कैथोड होते हैं तो इस तरीके से आयनो आयनाइजेशन हो जाता है जब हमारी बॉडी में करंट जाता है आयनाइजेशन हो जाता है और तभी हमें बिजली का झटका लगता है तो, तो सेम काम यहाँ पर हो सकता है ओके तो ये जो लाइन लिखी हुई है वेन एंड एनिमल्स फ्रंट एंड हिंड फीट आर फार अपार्ट एनफ तो दोनों जो कदम है उनके बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो आप समझिए कि उनको बिजली का झटका लगेगा अब याद रखिए जितनी ज़्यादा होगी यहां पर लिखा है more distance between feet, more potential आपको देखने के के लिए मिलेगा ओके तो एक एक चीज चीज ये हो गई अच्छा side flash के अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं मतलब एलिफेंट साइड में तो खड़ा है तो एक सिंगल स्ट्राइक देखने के लिए मिली हो सकता है कि ये स्ट्राइक जो है वो दूसरी साइड में भी जनरेट हो जाए तो इसको कहते हैं मल्टीपल साइड फ्लैश इसको भी याद रखिएगा ठीक है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अलग अलग दिशाओं में भी जा सकती है उसके बाद यहाँ पर देखें तो आ, सरकार के कुछ इनिशिएटिव भी हैं जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सिस्टम टू वॉन पीपल विदाउट इम्पेंडिंग थंड स्टॉम एंड लाइटिंग स्ट्राइक तो उनको लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडस्टॉम से बचाने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटोलॉजी पुणे एंड अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों ने मिलकर डेवलप किया एक ऐप जिसका नाम है दामनी याद रखिएगा टू मॉनिटर द लाइटिंग एक्टिविटी कहाँ पर कितनी मात्रा में बिजली यहाँ पर आ, जो आसमान में है उस चीज़ को यहां पर मापने का ऐप है दामनी ओके तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा उसके बाद ऐसे इंसिडेंट पहले भी देखने के लिए मिले हैं तो ये असम के अंदर तो हुआ जैसे बट और भी जगह पर हमने देखने के लिए मिले हैं जैसे वेस्ट बंगाल के बक्सर टाइगर रिजर्व में पांच एलिफेंट्स की डेथ 2007 में हुई थी अब बक ये जो बक्सर टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का है तो ये असम के जैसे बराबर में ही हो गया तो इस तरीके के रीजंस भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं फिर आप देखें तो नॉर्वे के अंदर तीन सौ रेनडियर यहाँ पर मर गए दो हजार सोलह के अंदर लाइटनिंग के कारण थंडर स्टॉम के कारण ठीक है कभी सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा ओके okay, अलास्का के अंदर फिफ्टी थ्री रेनडियर की डेथ देखने के लिए मिली तो जब आप कॉजेस लिख रहे हो एनिमल्स के आ, मतलब थ्रेट लिख रहे हो कि एनिमल्स को क्या क्या थ्रेट है वाइल्ड एनिमल्स को क्या क्या थ्रेट है तो जब आप उसमें इलेक्ट्रोक्यूजन लिख रहे हो तो आपने ह्यूमंस को तो ग्लोरीफाई कर दिया कि यहाँ पर ह्यूमंस की गलती है बट आपको नेचर को भी यहाँ पर ग्लोरीफाई करना है कि इलेक्ट्रोक्यूज़न भी एक कारण है हालांकि बड़ा कारण नहीं है आप उसको थोड़ा सा बाद में भी लिख सकते हो पहला कारण इलेक्ट्रोक्यूज़न ज़्यादा है ओके तो ये लास्ट स्लाइड है और इसमें इतना ही जानना काफ़ी था और ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करनी सिर्फ इस स्लाइड को भी देख लेंगे तो काम हो जाएगा साइड फ्लैश डायरेक्ट फ्लैश टच फ्लैश स्टेप पोटेंशियल ये सब आपको पता हो जाना चाहिए ओके तो बस इतना ही जानते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर